गाइस, दिस इज जितेंद्र, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो एयरक्राफ्ट है साउथर्न हेमीस्फीयर मींस दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर फ्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट को दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर फ्लाई करने से रिस्ट्रिक्शन क्यों है। इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 1964 में एक रूल बनाया गया था, उस रूल्स में मेंशन किया गया था कि जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जिस एयरक्राफ्ट में दो इंजन है, इमरजेंसी कंडीशन में डाइवर्जन एयरपोर्ट तक कंटिन्यूअस 60 मिनट तक फ्लाई नहीं कर सकते हैं। ये नियम उस टाइम पे बनाया गया था जब ओनली पिस्टन इंजन ही यूज किया करते थे। पिस्टन इंजन इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होते थे। अगर इमरजेंसी कंडीशन में अगर पिस्टन इंजन यूज भी कर सकते हैं डाइवर्जन एयरपोर्ट में, तो उसके लिए उनको बहुत ज्यादा सेफ्टी मार्जिन को ध्यान में रखना होता था, क्योंकि वो जो डिस्टेंस मेंटेन करते थे उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते थे, क्योंकि एक इंजन इनऑपरेटिव हो जाता था डाइवर्जन एयरपोर्ट तक जाने के लिए। दोस्तों, उसके बाद जेट इंजन यूज करना स्टार्ट हुआ। जेट इंजन स्टार्ट करने के बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि जो रूल्स हैं उसको चेंज करने चाहिए। फिर उस रूल्स को चेंज किया गया, क्योंकि जो जेट इंजन होते हैं 100 टाइम्स पिस्टन इंजन से ज्यादा पावरफुल इंजन होते हैं। दोस्तों, जब जेट इंजन यूज करना स्टार्ट हुआ तो उसमें एक रूल्स बनाया गया कि जो इटोप्स ऑपरेशन सर्टिफिकेशन वाले एयरक्राफ्ट होते हैं वो कंटिन्यूअस डाइवर्जन एयरपोर्ट तक 60 मिनट फ्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इटोप्स ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इटोप्स का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड रेंज ट्विन इंजन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ये सर्टिफिकेशन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को दिया जाता है। ये दिया जाता है सर्टिफिकेशन इसलिए क्योंकि अगर दो इंजन में से एक इंजन भी आपका इनऑपरेटिव होता है एयरक्राफ्ट का, तो वो डाइवर्जन एयरपोर्ट तक कंटिन्यूअस 60 मिनट से भी मैक्सिमम तक फ्लाई कर सकता है, इसलिए ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। दोस्तों, जो 1964 में रूल बनाया गया था वो तीन इंजन एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो एयरक्राफ्ट थे तीन इंजन वाले वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। फिर उस रूल्स को बढ़ाते बढ़ाते 120 मिनट तक एक्सटेंड किया गया, उसके बाद 180 तक एक्सटेंड किया गया। दोस्तों, जो अभी रूल्स बनाए गए हैं उसमें जो एयरक्राफ्ट आते हैं मींस इटोप्स रेटिंग वाले एयरक्राफ्ट आते हैं, कंटिन्यूअस 370 मिनट तक कंटिन्यूअस फ्लाई कर सकते हैं, मींस वो 6 घंटे तक कंटिन्यू फ्लाई कर सकते हैं अगर उनका एक इंजन फेल भी होता है। तो जो अभी 370 मिनट तक कंटिन्यू फ्लाई करने के लिए जो सर्टिफिकेशन एयरक्राफ्ट को मिला है वो एयरबस 350 एयरक्राफ्ट को ही मिला है, जो कि एक एक्स्ट्रा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, जब इटोप्स ऑपरेशन नहीं था उस समय कुछ लार्ज एयरक्राफ्ट एंड हैवी एयरक्राफ्ट मींस 4 इंजन वाले एयरक्राफ्ट वहां पे फ्लाई करते थे, मींस साउथर्न हेमीस्फीयर में फ्लाई करते थे, लेकिन वो इसलिए बंद हुआ क्योंकि जो वो रूट था बहुत लंबा था। दोस्तों, फिर बात आती है कि जो एयरक्राफ्ट है साउथर्न हेमीस्फीयर के ऊपर फ्लाई क्यों नहीं कर सकते, मींस दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर फ्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको देख के इमेज में खुद पता चलेगा कि वहां पे जो है एयरक्राफ्ट फ्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली जो साउथर्न हेमीस्फीयर का जो एरिया है, मींस जहां पे वो है, उसके आसपास ना कोई सिटी है ना कोई बड़ा जगह है कि वहां पे आप अल्टरनेट एयरपोर्ट मींस डाइवर्जन एयरपोर्ट बना सकते हो। दोस्तों, अगर कोई भी एयरपोर्ट बनाया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि वहां पे कोई अल्टरनेट डाइवर्जन एयरपोर्ट है या नहीं। आप एग्जांपल में ले सकते हैं, अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है दिल्ली टू बॉम्बे, तो उसके बीच में कितने भी सारे बहुत सारे मींस डाइवर्जन एयरपोर्ट होते हैं। अगर इन केस ऑफ कुछ भी इमरजेंसी होता है तो वहां पे वो इमरजेंसी लैंड करा सकते हैं। अगर इंजन भी फेल होता है तो वो वहां पे एक इंजन के सहारे इमरजेंसी लैंड करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप साउथर्न हेमीस्फीयर को आप ग्राफ में देखोगे, मींस दक्षिणी गोलार्ध को आप ग्राफ में देखोगे, तो वहां पे आसपास कोई भी डाइवर्जन एयरपोर्ट नहीं है। अगर इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट क्रैश भी होता है, एयरक्राफ्ट ओशन में गिरता है, तो वहां पे कोई रेस्क्यू टीम भी नहीं आ सकता है किसी की जान बचाने के लिए। एंड वहां पे अगर एयरक्राफ्ट में कुछ मैकेनिकल फेल्योर भी होता है तो उसके आसपास कोई भी अल्टरनेट एयरपोर्ट नहीं है जिससे कि वो वहां पे इमरजेंसी लैंड करा सके। इसलिए साउथर्न हेमीस्फीयर के ऊपर एयरक्राफ्ट फ्लाई करना रिस्ट्रिक्शन है, वहां पे एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करता है, कुछ प्राइवेट जेट है जो कि वहां पे फ्लाई करते हैं, बट बहुत कम एयरक्राफ्ट है जो कि उसके ऊपर फ्लाई करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।